हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फाइन। सो फ्रेंड्स, आवर फोर्थ वीडियो ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैज कम। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द सम ऑफ द थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स एंड मोर इन एपी। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट इज कॉन्सिक्यूटिव थ्री नंबर्स। Consecutive three numbers in AP. So for consecutive three numbers, you should take A minus D, A and A plus D. When you are provided with the sum of consecutive three numbers, then you should take A minus D plus A plus A plus D. When you are provided the product of consecutive three numbers, then you should take a minus d into a into a plus d. So next, for consecutive four numbers, so for consecutive four numbers you should take a minus 3d, a minus d, a plus d and a plus 3d. For consecutive four numbers you should take a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d. So next is consecutive five numbers. So for consecutive five numbers you should take a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. This is for consecutive five numbers. And consecutive six numbers you should take a minus 5d, a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d and a plus 5d. This is for consecutive six numbers. So friends, let's take our first example. So friends, our first question is the sum of three terms in AP is 33 and their product is 1155. Find the terms. So I told you for consecutive three numbers we should take a minus d, a and a plus d. So let's take a minus d first. They are told the sum of three numbers, so a minus d plus a plus a plus d. The sum is 33. So first solve this. So when you remove the bracket, a minus d plus a plus a plus d is equals to 33. So d minus d gets cancelled. So 3a is equals to 33. A is equals to 33 by 3, which is 11. A is equals to 11. So A we got as 11. So friends, we got our sum as 11. So now product. So A minus D into A plus D. So their product is 1155. So first multiply this a to this, so you will get a square plus ad is equals to 1155. So now we multiply this with this, so
माइनस डी स्क्वायर प्लस ए डी इक्वल्स टू 1155। सो ए इंटू स्क्वायर ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर डी प्लस ए सॉरी माइनस ए डी स्क्वायर। सो प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर डी गेट्स कैंसिल। सो वी गेट ए क्यूब माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155। सो वी गॉट आवर वैल्यू ऑफ ए एज 11। सो अप्लाई द वैल्यू 11 क्यूब माइनस 11 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155। सो 11 क्यूब इज 1331। सो 1331 माइनस 11 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155। सो टेक 1131 दैट साइड। सो यू विल गेट माइनस 11 डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155 माइनस 1331। सो इफ यू सब्सट्रैक्ट 1331 फ्रॉम 1155, सो यू विल गेट 11। सो हेयर यू विल गेट 6, देन दिस विल कम 12। सो हेयर यू विल गेट 7। सो हेयर 2 2 1 1। सो आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग आवर आंसर इज -176। सो हेयर माइनस माइनस गेट्स कैंसिल। सो टेक 11 दैट साइड। सो यू विल गेट 11 वन्स आर 11, देन 11 सिक्स आर 66। सो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। नाउ डी इज इक्वल्स टू रूट 16। सो डी इज इक्वल्स टू प्लस एंड माइनस 4। वाई प्लस एंड माइनस 4 बिकॉज माइनस 4 इंटू माइनस 4 ऑल्सो विल गेट 16 एंड प्लस 4 इंटू प्लस 4 ऑल्सो 16। सो नाउ वी गॉट ए वैल्यू एज 11 एंड डी वैल्यू एज 4। सो नाउ द रिक्वायर्ड ए पी इज फर्स्ट ए माइनस डी विच इज 11 माइनस 4 7, देन ए, देन ए प्लस डी विच इज 11 प्लस 4, सो यू विल गेट 15। सो आवर रिक्वायर्ड ए पी इज 7 11 15। सो ऑन। सो फ्रेंड्स लेट्स मूव टू आवर सेकेंड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स आवर सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द टर्म्स हूज सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 21 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165। सो आई टोल्ड यू दैट फॉर थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स यू शुड टेक ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी एंड वी आर प्रोवाइडेड विद द सम विच इज 21। सो ओपन द ब्रैकेट्स। सो प्लस डी माइनस डी गेट कैंसिल। सो 3a इज इक्वल्स टू 21, a इज इक्वल्स टू 21 बाई 3, वील गेट 7। सो वी गॉट a वैल्यू एज 7। सो नाउ द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट सॉरी द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 165। सो सम ऑफ देयर स्क्वायर विच इज 165। सो एक्सपैंड दिस। सो इफ यू एक्सपैंड यू विल गेट a माइनस बी फॉर्मूला इज ए स्क्वायर माइनस 2 ए डी प्लस
d square, and here plus a square plus a square plus 2ad plus d square. So plus 2ad minus 2ad gets cancelled. So you will get 3a square plus 2d square is equals to 165. So a value, you know, so put the value. A square, a value is 7, so a square is 49 plus 2d square is equals to 165. So if you multiply 49 with 3, you will get 147 plus 2d square is equals to 165. So take 147 that side. So 165 minus 147, you will get 18. So take 2 also that side, so you'll get 9. Now d square is equals to 9, so d is equals to root 9, so d is equals to plus or minus 3. So d value we got as plus and minus 3. So friends, our required AP is, so a value is 7 and d value is 3. So a minus d, 7 minus 3, 4, a 7, and a plus d, 7 plus 3, 10. So our required AP is 4, 7, 10 and so on. So friends, I hope you understood. If you understood, please like our video, please share it, comment on it, and also subscribe our channel. If you did not watch our previous arithmetic progression video, I'll provide you the link in the description box. You can go and watch there. Thank you friends, goodbye.